क्या आप महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर करके थक चुके हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है? क्या आप चाहते हैं ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस एंड क्लियर स्किन? तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेमेडी अगर आप यूज़ करेंगे तो ये ना कि सिर्फ आपकी फेयरनेस को बढ़ाने वाला है, बट अगर आपको सनटैन हुआ है तो ये इसे भी ख़त्म करेगा। साथ में अगर आपको कोई स्कार्स है, कोई मार्क्स है, ये भी निकल जाएंगे। दाग धब्बे, एक्ने मार्क्स है, ये भी यहाँ ख़त्म होने वाले हैं। झाइयों की अगर फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये भी यहाँ सॉल्व होगी। साथ ही में अगर फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम है, ये भी यहाँ ख़त्म होगा। ये जो क्रीम है ओवरऑल आपकी स्किन को हेल्दी बना देगा, ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा और फेयरनेस भी बढ़ाएगा। मेरी फ्रेंड्स, रेमेडी हमेशा की तरह ईजी टू मेक है, 100% इफेक्टिव रिजल्ट देगी ये आपको। तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहिए फ्रेंड्स विटामिन सी की टैबलेट, तो यहाँ मैंने ये कंपनी की ली है, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, या आपको आसानी से कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। तो इस तरह से विटामिन सी की टैबलेट लेंगे। विटामिन सी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्चुअली विटामिन सी यूज़ होता है। ये आपके रंगत को ही नहीं निखारता फ्रेंड्स, बल्कि अगर आपको दाग धब्बे हैं, कोई भी चोट का निशान है, उसे भी ये काफ़ी हद तक हल्का कर देता है। तो इस तरह से विटामिन सी की टैबलेट ले लेंगे, और इस तरह से मैं यहाँ क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो टैबलेट को बाहर निकालने के बाद भी क्रश कर सकते हैं। विटामिन सी में फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम क्रश कर लेंगे। अब मैं ले लूँगी एक बोल, और इसमें ऐड कर लेंगे हम एलोवेरा जेल। यहाँ मैंने कंपनी वाला एलोवेरा जेल लिया है, आप नेचुरल नहीं ले सकते क्योंकि हम इसे प्रिजर्व करना है। तो एलोवेरा जेल के फायदे तो हम सब जानते ही हैं, आपके स्किन से दाग धब्बे को हटाता है, आपके स्किन को टाइट करता है, फाइन लाइंस और रिंकल को भी हटाता है। तो इस तरह से हम एलोवेरा जेल ले लेंगे, और यहाँ आप फ्रेश नहीं लीजिएगा क्योंकि हमें ये क्रीम को स्टोर करना है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप एलोवेरा जेल का कलर देखिए, अब ये जब हम मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से लगातार 1 से 2 मिनट के लिए, तो ये इसका कलर वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिक्स करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स एक विटामिन ई की टैबलेट। तो ये देखिए विटामिन ई डाल दिया है मैंने यहाँ। अगर आप ग्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 यूज़ कर लीजिए, मैंने यहाँ येलो वाला विटामिन ई लिया है, या आप बादाम ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। विटामिन ई की फ्रेंड्स बात करूँ तो ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स पे काम करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और उसे टाइट बनाता है। तो इस तरह से विटामिन ई ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, और आप क्रीम का कलर देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है, लाइट एंड फ्लफी हो गया है। तो इसी टाइम पे फ्रेंड्स अब हम ऐड करेंगे जो ये हमने टैबलेट क्रश किया है उसे कट करके अब इसमें ऐड कर लेंगे हम। ये जो टैबलेट है ये ऑरेंज फ्लेवर की है, इसलिए यहाँ ऑरेंज कलर मुझे मिलने वाला है। तो इस तरह से पूरा एक टैबलेट डाल देंगे, एकदम फाइन पाउडर चाहिए हमें, और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। एक क्रीम की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए फ्रेंड्स, एकदम ना हमें रनी चाहिए ना ही हमें थिक चाहिए। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कलर भी आया है, और इसमें से मुझे खुशबू भी आने लगी है। तो मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमारी ये जो क्रीम है ये रेडी है, देखिए कितना स्मूथ है ये। तो चलिए स्टोर कर लेते हैं कंटेनर में। आप ये तब तक स्टोर कर सकते हैं जब तक ये फिनिश ना हो, बट इसका यही है कि आप इसको एक ठंडी जगह पे रखें जहां सनलाइट ना पड़े, यानी कि आप इसको रेफ्रिजरेट करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ये देखिए हमारी क्रीम बनके रेडी है, कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर आया है इसका, और यकीन मानिए ये आप लगाओगे ना तो आप सारी क्रीम भूल जाओगे। तो चलिए फटाफट से बता देती हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको फेस को वॉश कर लेना है, और जैसे आप कोई भी क्रीम या लोशन लगाते हैं उसी तरह से आपको अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे और नेक एरिया पे। तो इस तरह से आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, जैसे वीडियो में बता रही हूँ वैसे करिए, ताकि पूरा क्रीम आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। इसको लगाना कब है? इसको आपको स्पेशली रात में लगाना है, या सुबह आप दिन में अगर घर पर हो तो लगाइए, इसको दोपहर को बिल्कुल भी मत लगाइए। रात में लगाइए, और इसे यूज करने के
पहले आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए आपके स्किन के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है विटामिन सी के लिए, तो ज़रूर एक पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए। नेक एरिया पे भी ज़रूर लगाइए, रात को इसको लगा के सो जाइए। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये विटामिन सी वाला मेरा क्रीम? ज़रूर आप ट्राई कीजिए, ये आपके दाग धब्बे, झाइयों की प्रॉब्लम, फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम और कोई भी स्कार्स है वो ख़त्म करेगा। ये आपकी फेयरनेस को भी बढ़ाएगा, साथ में गर्मियां है, सन टैन की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसे भी ख़त्म करेगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे ब्यूटी एंड ब्रेन्स चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय।